नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश। मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट एडीसीए कोर्स लेकर आया हूं, जिसमें से हम आप लोगों को जीरो टू एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। तो आज हम विंडो से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो मेरा सेकेंड टॉपिक स्टार्ट होता है विंडोज होता है। फर्स्ट फंडामेंटल कंप्यूटर। अब फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर का बेसिक जानकारी को ही फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। जैसे कि कंप्यूटर कैसे, कंप्यूटर का हिस्ट्री, हिस्ट्री एवोल्यूशन बोल सकते हैं, कंप्यूटर का जनरेशन, कंप्यूटर के टाइप्स बोल सकते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स कितने हैं, तो ये सब सारे फंडामेंटल कंप्यूटर में देखते हैं। उसमें सिर्फ थ्योरी पार्ट होते हैं, तो इसलिए उसको हमने स्किप करके प्रैक्टिकल, जहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट होता है प्रैक्टिकल, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे आज स्टार्ट करेंगे विंडोज। लेकिन यहाँ पे दो चीज जानना जरूरी है, एक कीबोर्ड के बारे में और एक माउस के बारे में। तो हम यहाँ पे इमेज के माध्यम से आप लोग को कौन सा बटन किसको बोलते हैं, कीबोर्ड और माउस को समझा देते हैं, और उसके बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे हम इमेज सेव करके रखे हुए और ओपन करके आप लोग को हम एक बार यहाँ पे समझा देते हैं कि यहाँ पे कीबोर्ड एक बार यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं कीबोर्ड, और ये रहा कीबोर्ड। चलिए इसको हमने ऑन की, आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए और यहाँ पे हमने जूम करके देखिए सारा, एक मिनट हम इमेज को ही जूम कर लेते हैं, आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। चलिए हम यहाँ पे इंटू ले लेते हैं समझाने के लिए। देखिए यहाँ से जो यहाँ पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं F1 से F2 वेल। क्या? F1 से F2 वेल को बोलते हैं फंक्शन की। क्या बोलते हैं? फंक्शन की। जैसे F1, F2, F2, F9, F10, यानी सारे यहाँ पे F से ही शुरू होगा, F और 10 दोनों मिलके इसको बोलते हैं फंक्शन की। क्लियर? जैसे कि कभी आपको हेल्प लेना किसी भी सॉफ्टवेयर का या तो विंडो का, तो F1 प्रेस करते हैं। F2 को भी फाइल या फोल्डर को रिनेम करना है तो F2 प्रेस करते हैं। तो हम देखेंगे जिस तरह से आगे बढ़ेंगे, सारा सबका शॉर्टकट की भी हम देखेंगे, यहाँ पे बात करेंगे किसका कैसे यूज करते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे इसको बोलते हैं एस्केप की, इसको बोलते हैं एस्केप की, लिखा हुआ है आपको। क्लियर? चलिए ये हुआ क्लियर फंक्शन की, एस्केप की। चलिए इधर आते हैं, तो यहाँ से जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ना, यहाँ से लेके और ए रहा मेरा, और ए इसको बोलते हैं स्पेशल की। क्या बोलते हैं? स्पेशल की। स्पेशल की में कौन कौन आते हैं? यहाँ पे इसको बोलते हैं टैब। टैब का यूज किया किसी भी एप्लीकेशन वर्ड में या तो एक्सेल में, मूव करना हो टेबल में, मूव करना हो तो हम टैब प्रेस करते हैं। क्लियर? इसके बाद जस्ट इसके बाद है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक क्या होता है? यहाँ पे देखिए टाइप किया हुआ है कैप्स लॉक। इसका यूज अगर हम कैपिटल टाइप कर रहे हैं तो स्मॉल होगा, इसका ऑन कर देंगे तो, अगर स्मॉल टाइप कर रहे हैं तो कैपिटल हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद हम लोग बात करते हैं शिफ्ट की। शिफ्ट की भी यूज कंबाइंड बेस पे होता है, यानी सिंगल यूज नहीं होगा। जैसे शिफ्ट का यूज करना है तो यहाँ पे मान लीजिए कोई आप टाइप कर रहे हैं लेटर, ठीक है, अगर वहां पे मुझे फर्स्ट लेटर ही शिफ्ट कैपिटल करना है तो शिफ्ट का यूज करेंगे तो वहां पे कैपिटल हो जाएगा। अगर कैपिटल हो रहा है वहां पे स्मॉल हो जाएगा शिफ्ट के साथ अगर हम प्रेस करते हैं तो। क्लियर? जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर शॉर्ट देखा जाए तो एक फोल्डर क्रिएट करना हो, फोल्डर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे यूज होते हैं कंट्रोल शिफ्ट एन। तो यानी शिफ्ट सिंगल यूज नहीं होगा, साथ में होगा। क्लियर? इसके बाद समझते हैं कंट्रोल की। कंट्रोल की भी यहाँ पे आपको कंबाइंड यूज होने वाला है, यानी जैसे कंट्रोल एस फाइल को सेव करने के लिए, जैसे अभी बात किए थे कंट्रोल शिफ्ट एन, तो कंट्रोल शिफ्ट एन यानी यहाँ भी कंबाइंड हो रहा है, तो यहाँ भी सिंगल यूज नहीं हो रहा, कंबाइंड में यूज हो रहा है कंट्रोल की। ये रहा है कंट्रोल की। क्लियर? इसके जस्ट बाद है विंडो की। यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम कम करते हैं, एक मिनट, और देखिए यहाँ पे आप लोग को नहीं दिख रहा होगा क्योंकि पिक्चर यहाँ फिक्स लेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे विंडोज की होता है, आप अपने कीबोर्ड आपके पास अगर होगा तो वहां पे देखिएगा विंडोज की होता कंट्रोल और अल्ट के बीच में रहता है। क्लियर? इसके बात करते हैं अल्ट, ये भी कंबाइंड बेस यूज होने वाला है। जैसे कि बात करते हैं इसका
ऑल्ट F4, ऑल्ट F4 से शट डाउन होता है, क्लियर। तो ये हमारे स्पेशल की जस्ट इसके बगल में भी सारे ऑप्शन, यहाँ पे इसको बोलते हैं स्पेस बार, क्या बोलते हैं स्पेस बार, यहाँ पे देखिए टाइप किया हुआ है, दो लाइन या वर्ड के बीच में स्पेस देने के लिए यूज करते हैं, क्लियर। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि अल्ट की, यहाँ पे है अल्ट की हुई, अल्ट की है विंडो भी हुई है, यानी यहाँ पे दो दो, यहाँ पे शिफ्ट भी मिलेगा आपको दो, ये साइड भी। चलिए इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं इंटर, इंटर किसी भी अगर मानिए डॉक्यूमेंट में अगर स्पेस लेना हो वर्ड में या वर्ड पैड में, तो यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं, या तो यहाँ पे ओके का काम भी यही करता है इंटर, यानी जिस भी सिलेक्ट फाइल हो या तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, यानी कुछ को अगर रन कराना होगा तो वहां पे सेलेक्ट करके हम इंटर करेंगे तो वहां पे ओपन हो जाएगा, यानी ओके क्लिक का भी काम करता है इंटर मेरा। चलिए जस्ट इसके बाद है स्पेस, बैक स्पेस, बैक स्पेस क्या हुआ, कुछ अगर टाइप कर रहे हैं तो गलती हो गया तो बैक स्पेस करके मुझे हटा सकते हैं, क्लियर। चलिए और यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है आपको ना, इसको बोलते हैं कर्सर कंट्रोलर, कर्सर कंट्रोलर, जैसे कि अप है तो अप जाएगा, बॉटम है तो बॉटम, लेफ्ट है तो लेफ्ट, राइट है तो राइट, यानी हम कंट्रोल कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग कर्सर को। ये है नेविगेशन पैनल, एक डिलीट है, क्लियर। तो पहले फर्स्ट इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट का यूज करेंगे, डिलीट कोई भी फाइल या फोल्डर सेलेक्ट करके या तो पैराग्राफ को डिलीट करेंगे। उसके बाद हो मान लीजिए आपका लार्ज फाइल है, क्या है अगर लार्ज फाइल है उसमें अगर यहाँ पे मुझे लास्ट पेज पे है, मुझे अप करना है किस पे, फर्स्ट पेज पे, तो यहाँ कंट्रोल के साथ देखिए यहाँ होम प्रेस करेंगे तो कंट्रोल होम यानी फर्स्ट पेज पे चलाएंगे। ये सारे शॉर्टकट की हैं, इसका यूज हम बता रहे हैं, क्लियर। उसके बाद इंड है, जैसे हमें टॉप में रहेंगे बॉटम में जाना है तो कंट्रोल इंड प्रेस करेंगे, पेज अप, सिंगल सिंगल पेज अप, पेज अप कर सकते हैं यानी अप जा सकते हैं और पेज डाउन। ये हमारे होंगे नंबर की, नंबर की में यहाँ पे एक होते हैं ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे होते हैं नंबर लॉक, अगर यहाँ पे लॉक रहेगा तो ये मेरे जो नंबर की है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। कभी कभी लॉक रहता है कर देते हैं तो यहाँ पे काम नहीं करता है तो लगता है कि बटन खराब हो गया, ऐसा नहीं होता, वहां पे नंबर लॉक रहता है वो लॉक कर देते हैं इसलिए काम नहीं करता है, क्लियर। तो हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक प्रिंट स्क्रीन होता है, पेज ब्रेक होता है, एक पॉज बटन होता है, प्रिंट स्क्रीन से स्क्रीन ले सकते हैं हम किसी भी स्लाइड को, बैक में ऑन रहेगा, जैसे इसका लेना है तो इसका भी हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम देखेंगे सारे कवर करेंगे अपने टॉपिक में, क्लियर। तो चलिए ये हुआ कीबोर्ड का, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा माउस, उसके बाद हम आज ज्यादा नहीं देखेंगे, व्यू ही देखेंगे, और इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं और ये रहा इसका अंडू। चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे माउस का, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि अगर हम आप लोग को बताएंगे नहीं कि कीबोर्ड में फंक्शन की क्या होता है, ये सब कंट्रोल की इसका यूज कैसे करते हैं, तो जैसे कहीं भी हम शॉर्टकट की दबाए प्रेस की तो आप लोग को पता होगा तभी ना, इसलिए हम शुरू से एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप लोग को कुछ प्रॉब्लम ही ना हो। चलिए माउस हमने यहाँ पे लिए थे डाउनलोड में, डाउनलोड में ही होगा, ये रहा माउस और ये ओपन हो गया और इसको हम यहाँ पे करते हैं। चलिए माउस में हमारे तीन बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, लेफ्ट बटन को प्राइमरी बटन बोलते हैं, राइट बटन को सेकेंडरी बटन बोलते हैं, तीसरा क्या होता है व्हील बटन, और यहाँ इसका देखिए वायर, माउस वायर है, वायर कनेक्टर भी दो तरह के होते हैं, एक वायर कनेक्टर एक वायरलेस कनेक्टर, क्लियर। तो अभी हम बात करेंगे लेफ्ट, लेफ्ट बटन क्या होता है प्राइमरी बटन, यानी जब भी मुझे किसी को क्लिक करना हो क्लिक करना हो तो हम लेफ्ट बटन ही क्लिक करते हैं प्राइमरी बटन। राइट बटन किसी भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी देखना हो, प्रॉपर्टी देखना हो तो हम किसका यूज करते हैं राइट बटन का। स्क्रॉल बटन, स्क्रॉल या व्हील बटन का काम क्या होता है डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करने में, इमेज हो कुछ भी उसको स्क्रॉल करने में, जैसे कि यहाँ पे स्क्रॉल के माध्यम से देखिए हम जूम आउट और जूम इन कर रहे हैं, क्लियर। चलिए ये हो गया माउस बटन का और कीबोर्ड हमने समझा दिया, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी था क्योंकि जब हम यहाँ पे आप लोग को बताएंगे कभी कंट्रोल और स्क्रॉल बटन कर रहे हैं, आप लोग को कंट्रोल स्क्रॉल पता ही नहीं क्या होता है तो वहां तो समझ में आता नहीं, इसलिए हमने उसको पहले ही हम डिस्कस कर दिया, क्लियर। तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेआउट बता देते हैं, इस जो यहाँ पे इसको बोलते हैं डेस्कटॉप मोड, अभी हम कहाँ हैं डेस्कटॉप मोड में, और यहाँ पे आपको जूम कर करके हम सारे बटन के बारे में आज एक तरह से मानिए कि आज इंट्रोडक्शन है, ठीक है। और देखिए ये रहा विंडो बटन, आपको कीबोर्ड में मिल जाएगा, यहाँ पे विंडो बटन है, उसको हम कस्टमाइज करेंगे कि कैसे करते हैं, जैसे कि सेवन और सेवन में तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा
चेंज है विंडो 11 में, तो हम सारा कुछ कवर करेंगे, इसीलिए तो स्टार्ट किए हैं। ये सारे लोग तो देख रहे हैं पीछे वीडियो, जितने भी देखते हैं वो विंडोज 7 का ही डाला हुआ रहता है या तो 10, लेकिन 11 का बहुत कम मिलेगा आपको। तो इसीलिए हमने एक न्यू सीरीज यहाँ पे शुरू की है कि अपडेटेड वर्जन पे कैसे काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे विंडो बटन हो गया, और यहाँ पे देख रहे सारे एप्लीकेशन जो रन है, जो रन प्रोग्राम है, सारे इसमें ओपन है। तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं, टास्क बार। एक बार यहाँ पे टाइप कर देते हैं हम, इसको बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं, टास्क बार, टास्क बार, सॉरी यहाँ पे ये होगा टास्क बार बोलते हैं इसको। क्लियर, क्योंकि जो भी यहाँ पे रन है सारा कुछ यहाँ पे शो हो रहा होगा। क्लियर हुआ है? चलिए ये हमारे नोटिफिकेशन एरिया होगा, जो भी नोटिफिकेशन यहाँ पे आएगा यहाँ पे ही शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी सब कुछ शो कर रहा है यहाँ पे, जो नोट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए पहले इसको हम एरो यहाँ पे चेंज करेंगे, और यहाँ पे देखिए सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे आया हुआ है। इसके बाद यहाँ वाईफाई कनेक्ट है वो शो कर रहा है, यहाँ पे डेट और टाइम सारा कुछ शो करेगा, इसको बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया। क्लियर, चलिए और ये हो गया टास्क बार, नोटिफिकेशन हो गया और स्टार्ट बटन। अब ये सारे जो आइकन यहाँ पे डेस्कटॉप मोड में है, देखिए डेस्कटॉप मोड में है, ये सब जो दिख रहा है ना इसको बोलते हैं यहाँ पे, ये हो गया आइकन, यहाँ पे आइकन डेस्कटॉप आइकन, नोटिफिकेशन, नेटवर्क कंट्रोल पैनल, ये आइकन है, क्या है आइकन है, ये भी इनका भी एक आइकन है, ये भी मेरा क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एंड इन सब का भी हम आइकन चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कस्टमाइज कर सकते हैं, खुद का इमेज लगाना होगा फोल्डर या तो इस पे, तो वो भी हम लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे बारी बारी से, अभी हम यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन देख लिए, यानी किसको क्या बोलते हैं, कीबोर्ड देख लिए और माउस। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे व्यू, क्या बात करेंगे, व्यू। और व्यू में देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे आपको, व्यू में व्यू जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लार्ज ऑटो अरेंज आइकन यहाँ पे, और यहाँ पे रिफ्रेश नेक्स्ट बैकग्राउंड। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग बोरिंग टाइप फील करने लेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे इतना ही रखते हैं। हमने यहाँ पे कुछ नहीं ज्यादा बताया आप लोग को, सम इंट्रोडक्शन दिए और कीबोर्ड और माउस के बारे में और एक लेआउट के बताए। हाँ यहाँ पे डेस्कटॉप, एक चीज और, इस डेस्कटॉप मोड में भी जो है इस एरिया को वर्किंग एरिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्किंग एरिया। तो यहाँ तक ही ठीक है, आप लोग को क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है कि हो गया होगा क्लियर। कुछ नहीं आज थ्योरी था थोड़ा सा, अब कल हम स्टार्ट करेंगे विंडोज सेटिंग, यानी कैसे अरेंज करते हैं विंडोज आइकन को, और उसमें यहाँ पे एक यूजर अकाउंट क्रिएट कैसे करेंगे, यानी बारी बारी से हम सब कुछ देखेंगे। तो आज तक इतना ही तक रहने देते हैं, मिलते हैं जल्द, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।